स्वागत है आपका अपनी चैनल बिनास एजू वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 3। स्मृति, सरोज एंड संध्या हैव रुपीज 215.05, रुपीज 215.50 एंड रुपीज 215.25 इन देयर बैग्स। हाउ मच मनी दे हैव इन ऑल। यहाँ पे ये जो थ्री फ्रेंड है, स्मृति, सरोज एंड संध्या, इनके पास कुछ अमाउंट्स है बैग में, तो इन तीनों का मिला के टोटल कितने मनी है बैग में वो हमें बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमें गिवन दिया है वो हम लिख लेंगे। तो स्मृति है रुपीज 215.05, सरोज है रुपीज 215.50, संध्या है रुपीज 215.25। उसके बाद हमें पूछा गया है मनी दे हैव इन ऑल। ऑल है मतलब टोटल मिला के कितना है इनके पास, तो हम यहाँ पर एडिशन करेंगे। सबको अरेंज कर लिया, जैसे मैंने आगे बताया था उस तरह से हमें अरेंज कर लेना है और फिर एडिशन करना है। तो 5 पैसे प्लस 50 पैसे प्लस 25 पैसे हो गए 80 पैसे। डेसिमल के नीचे डेसिमल का पॉइंट लगा दिया, इन सब का हमने ऐड करेंगे। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 15, 5 यहाँ पर लिखा, 1 कैरी ओवर किया, 1 प्लस 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 लिखा और 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से इसका आंसर हो रहा है रुपीज दे हैव इन ऑल इज इक्वल टू 645.80। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। राहुल परचेज ट्राउजर वर्थ रुपीज 1575.60, टी शर्ट वर्थ रुपीज 999.50, सॉक्स वर्थ रुपीज 254.20 एंड शूज वर्थ रुपीज 2590.70। हाउ मच मनी डीड ही स्पेंड ऑल टूगेदर। तो यहाँ पर भी हमें जो भी उसने बाय किया है, परचेस किया है और जो भी उसने स्पेंड किया है मनी, उन सबका हमें टोटल करके बता देना है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। राहुल परचेस्ड, ये सब आइटम उसने परचेस की है। ट्राउजर 4 रुपीज 1575.60, टी शर्ट 4 रुपीज 999.50, सॉक्स 4 रुपीज 254.20 एंड शूज 4 रुपीज 2590.70। अब हमें क्या पूछा है, तो मनी ही स्पेंड ऑल टूगेदर। ऑल टूगेदर है मतलब हमें एडिशन करना है। तो हम यहाँ पर सबका जितना भी अमाउंट है वो सब हम यहाँ पर लिख लेंगे और उसको अरेंज कर लेंगे एडिशन में। फिर हम एडिशन करेंगे जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 5 11, +2 13 +7 20। 0 लिखा, 2 कैरी ओवर किया, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 9 16 एंड 16 प्लस 4 20। 0 लिखा, 2 कैरी ओवर किया, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 9 18, +9 27 एंड +5 32। 2 लिखा, 3 कैरी ओवर किया, 3 प्लस 5 8 प्लस 9 17, +2 19 एंड +5 24। 4 लिखा, 2 कैरी ओवर किया, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5। तो इस तरह से इसका टोटल हो रहा है रुपीज 5420 पैसे नहीं है। तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे, ही स्पेंड ऑल टूगेदर रुपीज 5420। टोटल इसने रुपीज 5420 का खर्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। जैक गॉट रुपीज 1000 एज अ पॉकेट मनी, ही स्पेंड रुपीज 655.75 ऑन बुक्स एंड रुपीज 125.30 ऑन फास्ट फूड। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी
ही इज लेफ्ट विथ। यहाँ पे जेक का जो पॉकेट मनी है वो 1000 रुपीज है, उसमें से उसने बुक्स और फास्ट फूड के पीछे स्पेंड किया है। तो 1000 में से हम जो उसने स्पेंड किया है उन दोनों का हम टोटल करके 1000 में से माइनस करेंगे तो हमें वो अमाउंट, जितना भी अमाउंट उसके पास लेफ्ट हुआ है वो हमें मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेंगे। पॉकेट मनी ऑफ जैक इज रुपीज 1000 एंड ही स्पेंट रुपीज 655 एंड 75 पैसे ऑन बुक्स एंड रुपीज 125 एंड 30 पैसे ऑन फास्ट फूड। ये हमने लिख लिया। फिर हमें पूछा है मनी लेफ्ट विथ हिम, इतना स्पेंट करके उसके पास कितने रुपीज बच जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसने स्पेंट किया है उन दोनों का टोटल कर लेंगे हम। तो रुपीज 655 एंड 75 पैसे इज स्पेंट ऑन बुक्स प्लस रुपीज 125 एंड 30 पैसे इज स्पेंट ऑन फास्ट फूड। इन दोनों का हम एडिशन कर लेंगे। तो 5 + 0 = 5, 7 + 3 = 10। 0 लिखा, 1 कैरी ओवर, 5 + 5 = 10 + 1 = 11, 1 लिखा, 1 कैरी ओवर किया, 1 + 5 = 6 + 2 = 8 एंड 6 + 1 = 7। तो इस तरह से हमें मिला रुपीज 781 एंड 5 पैसे टोटल मनी ही स्पेंट। अब हमें क्या कहा गया है कि इसके पास 1000 रुपीज उसको पॉकेट मनी मिलती ही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो 1000 रुपीज है उसमें से हमें टोटल मनी जो उसने स्पेंट किए थे वो हम माइनस कर देंगे और तब जाके हमें मिलेगा मनी लेफ्ट विथ हिम। तो 1000 हमने लिख लिया। 1000 के पीछे मनी नहीं थी, पैसे नहीं दिए, सिर्फ रुपीज दिया है। तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाकर, पीछे 00 लगाकर उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर माइनस 781 एंड 5 पैसे जो हमें टोटल मनी स्पेंट है वो हमने लिख लिए। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 1000 में से ये मनी टोटल स्पेंट मनी माइनस करेंगे तो हमें मनी लेफ्ट मनी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 0 में से 5 नहीं जाएगा इसलिए हम यहाँ पे बोरोइंग करेंगे। तो ये जो 0 है वहां पे ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे ये जो 0 था वहां पे एक लेस हो जाएगा, मतलब ये 9 हो गया। यहाँ पे भी एक लेस, मतलब ये 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे हो जाएगा 0। इस तरह से ये यहाँ से आता गया इसलिए ये सब 1-1 नंबर लेस होते गए। 10 - 5 हो जाएगा 5, 9 - 0 = 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे। अब नेक्स्ट है रुपीज, 9 - 1 = 8, 9 - 8 = 1, 9 - 7 = 2 और 0 का 0। इस तरह से ये हो रहा है रुपीज 218.95 पैसे इज लेफ्ट विथ हिम एंड देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू मनी लेफ्ट विथ हिम इज इक्वल टू रुपीज 218.95 पैसे। सम नंबर 6, सुमित अर्न्ड रुपीज 25,660 पैसे इन अ मंथ एंड हिज ब्रदर अर्न्ड रुपीज 22,125.75 पैसे इन अ मंथ, हु अर्न्ड मोर एंड बाय हाउ मच। यहाँ पे हमें सुमित का मंथली सैलरी और इसके ब्रदर का मंथली सैलरी दिया है। इन दोनों का हमें कंपैरिजन करना है और बताना है कि हु अर्न्ड मोर। तो नेचुरली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 25,000 है, यहाँ पे 22,000 है, तो सुमित ही अर्न मोर कर रहा है। बट बाय हाउ मच, तो हम जो बिगर अमाउंट है उसको हम स्मॉलर अमाउंट को हम बिगर अमाउंट में से माइनस करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि बाय हाउ मच। तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेंगे। मंथली अर्निंग ऑफ सुमित इज इक्वल टू रुपीज 25,660 पैसे एंड मंथली अर्निंग ऑफ हिज ब्रदर इज इक्वल टू रुपीज 22,125.75 पैसे। अब यहाँ पे हमें पता चल ही जाता है क्योंकि ये 25,000 इज बिगर देन दिस। तो सबसे पहले हम जो सुमित का सैलरी है वो हम लिख लेंगे बिगर वन,
₹25,660 हम लिख लेंगे। कंपैरिजन है इसलिए हम माइनस करेंगे और उसके नीचे हम लिखेंगे 22,125.75। अब हमें बाय हाउ मच पूछा है, कितना ज्यादा है तो हम माइनस करेंगे। तो देखो जीरो में से फाइव नहीं जाएगा इसलिए हमने यहाँ पे बोरोइंग की, तो ये हो गया 10। और ये जो आगे का नंबर यहाँ से ये आया इसलिए ये जो है वो बोरोइंग यहाँ से लिया था इसलिए ये लेस हो जाएगा, तो ये हो गया 5। 10 माइनस 5 5, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से बोरोइंग करेंगे तो ये हो गया 15। और यहाँ पे 1 लेस हो जाएगा 9, यहाँ पे भी 1 लेस हो जाएगा 9 और यहाँ पे भी 1 लेस हो जाएगा और ये होगा 5। अब 15 में से 7 जाएंगे तो 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देंगे। 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7 और 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3 एंड 2 माइनस 2 0। तो इस तरह से हमें आंसर मिला, सुमित अर्नड मोर एंड बाय रुपीज 3,474.85 मोर देन हिज ब्रदर। सम नंबर 7, ग्रेसी बॉट अ ड्रेस फॉर रुपीज 1,756.90 एंड अ डॉल फॉर रुपीज 895.70। शी गेव रुपीज 3,000 टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक। जैसे हमने आगे के सब सब में किया था वैसे हमने गिवन लिख लिया है यहाँ पे भी। ग्रेसी बॉट क्या परचेस किया उसने, अ ड्रेस फॉर रुपीज 1,756.90 एंड अ डॉल फॉर रुपीज 895.70 एंड शी गेव अ मनी टू शॉपकीपर रुपीज 3,000। और हमें क्या पूछा है, तो शी गेट बैक मनी। तो सबसे पहले हम ये जो दो आइटम उसने ली है ड्रेस एंड डॉल उनका टोटल हम कर लेंगे। तो टोटल रुपीज स्पेंट इज इक्वल टू रुपीज 1,756.90 एंड प्लस रुपीज 895.70। इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 7 16 लिखा, 1 कैरी ओवर किया, 1 प्लस 6 7 प्लस 5 12 2 लिखा, 1 कैरी ओवर, 1 प्लस 5 6 प्लस 9 15 5 लिखा, 1 कैरी ओवर किया, 1 प्लस 7 8 8 प्लस 8 16 6 लिखा, 1 कैरी ओवर किया एंड 1 प्लस 1 2। तो इस तरह से टोटल सी स्पेंट इज रुपीज 2,652.60। अब हमें क्या दिया गया है कि शी गेव अ मनी 3,000 टू अ शॉपकीपर। सबसे पहले हम जो उसने शॉपकीपर को दिए वो अमाउंट हम यहाँ पर लिख लेंगे। पीछे हमें यहाँ पे सिर्फ रुपीस दिया है, पैसे नहीं दिए इसलिए हम 00 लगा के इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम माइनस करेंगे टोटल सी स्पेंट, जितना भी उसने टोटल स्पेंट किया है वो इसमें से हम माइनस करेंगे, तब जाके हमें वो रुपए हमें मिलेंगे जो उसको वापस मिले। तो यहाँ पे हम 3,000 में से रुपीज 2,652.60 माइनस करेंगे। जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, यहाँ पे जीरो में से सिक्स नहीं जाएगा इसलिए हम यहाँ पे आगे से बोरोइंग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये सब लेस हो जाएंगे क्योंकि हमने आगे आगे से बोरोइंग की है। तो जीरो की जगह पे हो जाएगा 9, यहाँ पे भी हो जाएगा 9, यहाँ पे भी हो जाएगा 9 और 3 की जगह पे हो जाएगा 2 क्योंकि ये यहां से आगे आगे से हमने बोरोइंग की है। अब 10 माइनस 6 हो गए 4, डेसिमल की जगह पे डेसिमल के नीचे ही हम डेसिमल लगा देंगे। 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3 एंड 2 माइनस 2 0। सो द ग्रेसी गेट बैक रुपीज 347.40। इतने रुपए एंड पैसे उसको वापस मिले, शॉपकीपर ने उसको वापस दिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।